Today I am going to teach you mole concept. First mole concept, class 11th CBSE board. Basic concept, gram to mole, then divided by molecular mass. Means gram divided by molecular mass, then we get moles. यदि आपको मोल से ग्राम जाना हो तो आप मल्टीप्लाई करो मॉलिकुलर मास से, तो मोल ले लो, मोल को मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करो तो आपको ग्राम मिल जाएगा। एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। सपोज ग्राम टू मोल, 36 ग्राम H2 आपके पास अवेलेबल है, इसमें से आपको उसके मोल कैलकुलेट करना है। फिर से ग्राम से आपको मोल कैलकुलेट करना है, 36 ग्राम H2O है, इसमें से आपको मोल कैलकुलेट करना है। तो ग्राम टू मोल इट मीन्स डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास, तो H2O मॉलिकुलर मास हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन 16 इज इक्वल टू 18 मॉलिकुलर मास। तो 36 ग्राम अवेलेबल है, देन डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास 36 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 2 मोल्स। तो वेरी सिंपल, अगेन ग्राम टू मोल डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास, 36 ग्राम H2O अवेलेबल है, इसमें से मोल कैलकुलेट करना हो तो 36 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास करो तो आपको उसके मोल मिल जाएंगे। सेकेंड, अब आपके पास मोल अवेलेबल है, सपोज 1 मोल H2O है और 1 मोल H2O में से आपको ग्राम कैलकुलेट करना है। 1 मोल H2O आपके पास अवेलेबल है और 1 मोल H2O में से क्या कैलकुलेट करना है, ग्राम कैलकुलेट करना है। तो मोल से ग्राम, तो मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल इंटू मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास 18 इज इक्वल टू 18 ग्राम।